यहाँ पर कुक्कुट फार्मिंग होता है, इसे लेयर पोल्ट्री फार्मिंग भी कहते हैं। यहाँ पर मुर्गियों को पाला जाता है जिनका इस्तेमाल जो है मांस के लिए और अंडे के लिए किया जाता है। ये भारतीय ग्रामीण व्यवस्था का एक अहम हिस्सा है। गांव में जो छोटे छोटे कुटीर उद्योग लगते हैं उसका एक अहम हिस्सा है। आइए हम समझते हैं कि इससे जुड़ा हुआ अर्थशास्त्र क्या है। इसके साथ ही हम ये भी समझते हैं कि ये गांव का एक अभिन्न हिस्सा कैसे है। वहाँ पे न्यूट्रिशंस की जो सप्लाई है या फिर वहाँ पे जो छोटे छोटे फार्मर्स हैं या जो छोटे वहाँ पे काम करने वाले लोग हैं उनके लिए कैसे ज़रूरी है। सबसे पहली बात ये है कि जो कुक्कुट फार्मिंग होती है ये इसमें बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगता, बड़े उद्योगों जितना पैसा नहीं लगता। साथ ही ये जो कुक्कुट के खाने में जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो आमतौर पर ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे इस्तेमाल में नहीं आती, जैसे कि जो अनाज का जो ख़राब हिस्सा है या जो अनाज ख़राब हो चुका है या फिर जो खाना वगैरह हमसे बच जाता है वो इस्तेमाल यहाँ पे हो जाता है। जो दाने होते हैं अनाज के जो हमारे इस्तेमाल के लायक नहीं है उनका इस्तेमाल यहाँ पे हो जाता है, और उनका इस्तेमाल करके एक बेहतर प्रोडक्ट बनता है अंडे के रूप में या फिर मांस के रूप में, और वो जो है इस्तेमाल होता है स्थानीय स्तर पर। इसके साथ ही ये जो है खर्चीला कम है गांव के स्तर पर। जो है अगर आप कोई दूसरा उद्योग करते हैं तो वो ज़्यादा खर्चीला होता है, बजाय इसके कि आप अंडा फार्म लगाएं या फिर मुर्गी पालन करें। इसके साथ साथ जो स्थानीय ज़रूरतें हैं, जो स्थानीय मार्केट की ज़रूरत है या स्थानीय गांव की ज़रूरत है, वो भी इससे पूरी होती है। तो ये एक कुक्कुट फार्म है, ये देवरिया का है और देवरिया में एक छोटे से गांव का है। आज हम फील्ड रिपोर्ट में यहाँ आए हुए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि दूर दूर तक इसमें आपको दिखाई देगा कि मुर्गियाँ हैं, और उसके नीचे जो लेयरिंग की गई है, जो लेयर फार्मिंग जिसे कहा जा रहा है, उसमें अंडे भी आपको दिख सकते हैं। इन अंडों का अलग अलग इस्तेमाल होता है, कई बार ये बाहर शहरों में भी जाते हैं और कई बार क्या होता है कि गांव में ही इनका इस्तेमाल हो जाता है। इसके साथ ही इनसे जो कुक्कुट फार्म है इनसे मांस भी मिलता है, जो चिकन का मांस होता है वो भी मिलता है, और ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था और ग्रामीण जो पर्यावरण है उसका एक अभिन्न हिस्सा है। इसके साथ साथ जो इनसे एक्सट्रेटा निकलता है, जो इनसे जो है वेस्ट निकलता है, उसका इस्तेमाल खेतों में होता है, कंपोस्ट के रूप में होता है, और मोस्टली बायोडिग्रेडेबल वेस्ट निकलता है इनसे, तो पर्यावरण को भी ज़्यादा नुकसान इससे नहीं होता। हालांकि जो जब मांस को काटा जाता है और जो मांस को फिर जो पकाने की विधि होती है या फिर जो उसमें पानी का इस्तेमाल होता है उसमें देखा जाए तो ज़्यादा मतलब पानी इस्तेमाल होता है, तो वो पर्यावरण के खिलाफ कुछ जाता है मामला इसका। लेकिन आम तौर पर अगर सामान्य रूप में देखा जाए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के हिस्से के रूप में देखा जाए, तो ये बहुत ज़्यादा पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुँचाता। इसके साथ साथ जो खेती के वेस्टेज हैं, जो हमारे जैसे कि एग्रेरियन वेस्ट है, उनका इस्तेमाल इसमें हो जाता है बहुत आसानी से कुक्कुट फार्म में। तो एक तरफ तो यहाँ पे वेस्ट कंज्यूम होता है, दूसरी बात उस वेस्ट से हमें यूजफुल प्रोडक्ट मिलता है, और तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो यहाँ से वेस्ट प्रोड्यूस होता है वो भी हमारे लिए कहीं ना कहीं कंपोस्ट के रूप में इस्तेमाल हो जाता है, और वो हमें अल्टीमेटली फ़ायदा देता है। इसकी जो लागत है उस लागत के बारे में ये निर्भर करता है कि आप कितना बड़ा या कितना छोटा कुक्कुट फार्म बनाते हैं। इसके लिए आपको जो है एक घर की ज़रूरत होती है जो ऊपर से ढका हुआ हो, और इसके अलावा जो है वहाँ पे ज़्यादा ठंड या ज़्यादा गर्मी ना हो। इसके साथ साथ आप ये भी देखेंगे कि इनके लिए समुचित पानी की और दानों की व्यवस्था करनी पड़ती है ताकि जो है इनका काम अच्छे से चलता रहे। अगर गांव में इससे जुड़ी प्रोसेसिंग यूनिट्स बनती हैं, जिस जो कि सरकारों का योजना है, कई तरह सरकार इस तरह की योजनाएं लाती हैं, तो प्रोसेसिंग यूनिट से बहुत सारे फ़ायदा मिल सकता है गांव वालों को। इसके अलावा अगर हम बात करें कि कुक्कुट फार्म से जुड़े सब्सिडीज़ की, तो वो डिफरेंट स्टेट्स, जो दो डिफरेंट राज्य हैं भारत सरकार के, जैसे कि उत्तर प्रदेश है, बिहार है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उसमें अलग अलग ऑफर सरकार लाती है कि आप कुक्कुट पालन करना चाहते हैं या फिर पोल्ट्री फार्मिंग करना चाहते हैं,
तो उसके लिए आपको जो है डिफरेंट डिफरेंट सब्सिडीज मिलती है गवर्नमेंट की ओर से। इस वीडियो के आखिर में हम आपको एक चीज़ दिखाना चाहेंगे, वो ये है कि ये जो कुक्कुट हैं आप, ये जो मुर्गियां हैं, ये देखिए पानी कैसे पीते हैं, और इनके पानी पीने की जो व्यवस्था की गई है वो इस तरह से की गई है कि उसमें वाटर वेस्टेज बिल्कुल नहीं होता है, मतलब बूंद बूंद पानी निकलता है, और जैसे ही उस पर ये अपने चोंच से उसे ठोकते हैं तो ही थोड़ा सा पानी निकलता है और वो इसे कंज्यूम कर लेते हैं, तो वाटर वेस्टेज इसमें बिल्कुल नहीं होता। आप वीडियो में देखिए और आपको हमारी ग्राउंड रिपोर्टिंग कैसी लगी, ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। कम लगता है, वो इन्हें कम लगता है, हाँ, वो हमारी